गाइस कैसे हैं आप। मैं आपके एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ अपनी पबजी की। और ये वाली वीडियो आपको, जैसे आपको पता ही है कि यार टाइटल ही पबजी है, तो पबजी के ऊपर ही रहेगी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गेम प्ले सुधार सकते हैं, कैसे आप अपना पबजी और अच्छा खेल सकते हैं, प्रो की तरह खेल सकते हैं। ब्रो की तरह नहीं, प्रो की तरह। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग मोड में, क्योंकि यार अगर हम वैसे खेलेंगे तो यार हमें बंदे आके मार देंगे। हम आपको सिखाएंगे और बंदे हमें मार देंगे, तो इससे अच्छा रहेगा कि यार हम ट्रेनिंग में स्टार्ट करें। ट्रेनिंग में सीखते हैं हम कैसे खेलना पबजी। तो जैसा कि मैं आपको टिप एक एक करके टिप दूंगा कैसे हमें आगे खेलना है। सबसे पहले टिप जो रहेगी वो ये रहेगी कि हमें अपने एनिमी का पता रहना चाहिए, हमारा एनिमी है कहाँ। और वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें ऐसे पता लगेगा कि हमें देखना है उसके फुटप्रिंट्स, देखने की फुटप्रिंट्स किधर से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ईयरफोन्स आपके अच्छे होंगे तभी आप पता लगा पाओगे एनिमी कहाँ से आ रहा है। अच्छे ईयरफोन्स यूज़ करें, अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन्स यूज़ करें, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे कि आपका एनिमी कहाँ से आ रहा है वो आपको बता देंगे। और थोड़ा बहुत मैप में भी यार दिखाई देता है कि यार सामने से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। मैप में इतना देखता नहीं हूँ पर, लेकिन वैसे ही ध्यान देता हूँ। और जब हम अपने एनिमी को मारेंगे तो हमें कैसे मारना है, हमें अपने एनिमी का वेट करना है, एकदम से नहीं कि यार एकदम से चले गए एनिमी के सामने और एकदम से मार दिया जाके, इतने प्रो तो नहीं है। हमने थोड़ा सा वेट करना है एनिमी का और जब मारना है। और हमारी सबसे पहली बात है, जब हम अब सामने वाले की लोकेशन हमें पता लग रही है तो हमें अपनी लोकेशन भी नहीं बतानी है कि यार जैसे कि हम मार रहे हैं किसी को, यहाँ से हमने मारा उसे, हमें पता लग गया कि यहाँ से हमारी पोजीशन है तो इधर से भी मार सकता है, इधर से भी मार सकता है। हमें मार के एकदम से पोजीशन चेंज करनी है और कवर चेंज करना। तो गाइस ये हो गई हमारी पहली टिप। दूसरी टिप हमारी ये होगी कि हमें सबसे बड़ी बात है हमें अप्रोप्रिएट कवर लेना। अब जैसे मैंने हमें कवर की बात करी, हमें अप्रोप्रिएट कवर लेके खेलना है, ये नहीं कि खुले में भाग रहे हैं और गोली लगी और मर गए। हमें कवर लेके चलना है, पेड़ों पर रहना है, पेड़ों को ध्यान देना है कि पेड़ कहाँ कहाँ पे है। सबसे बड़ी बात है पेड़ एक थोड़ा मोटा पेड़ लो जिससे हमें पूरा कवर मिले, कोई पतला पेड़ मत लो। तो कवर ले लेके आगे चलना है, जोन में चलना है और एनिमीज को मारना है। और हम कभी कभी हम कार से भी ले सकते हैं कवर, ऐसी बात नहीं है, कार से ले सकते हैं हम कवर। पर कार का ये रहता है कि यार ब्लास्ट हो जाती है कार, अगर जल्दी ब्लास्ट हो जाती है सामने वाला मार देता है। तो क्या इस कार का हम कम कवर लेंगे, पेड़ और बिल्डिंग्स का ज़्यादा कवर लेंगे। तो ये हो गई हमारी दूसरी टिप। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी ट्रिप की तरफ। हमारी तीसरी टिप ये होगी कि हमें स्कोप कैसे यूज़ करना है, कौन सा स्कोप यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। अब जैसे मैंने ले रखी है M24, इसमें तो यार लंबा स्कोप यूज़ होगा, पर लेकिन हम लेंगे कोई अच्छी गन। जैसे हमने ली कौन सी ले ग्रोज़ा ले रहे थे, ग्रोज़ा अच्छी गन, ग्रोज़ा ली हमने। अब मान लो कि यार M24 में तो हमने लगा रखा है एटेक्स, हम लगाएंगे अपना एटेक्स, और इसमें लगा लिया हमने 4x ग्रोज़ा में। तो हमने एटेक्स इसमें है और 4x इसमें है, पर एनिमी बिल्कुल बराबर में खड़ा है तो कैसे मारेंगे, इतना जूम तो कर नहीं सकते। तो यार अपना स्कोप हमने ध्यान देना है कि स्कोप कौन सा लेना है। हमें अगर पास रेंज में हो तो हमें 2x या फिर मीरा सेड डॉट, मैं प्रेफर करता हूँ कि मीरा सेड डॉट यूज़ करो। पर अगर आपके पास मीरा सेड डॉट नहीं है तो होलोग्राफिक से काम चल जाएगा यार, ऐसी बात नहीं है। अगर एनिमी पास में हो तो अपना मीरा सेड डॉट यूज़ करो, और अगर एनिमी दूर हो तो ऑब्वियसली आपका 8x काम आएगा, 8x या 6x। तो ये हो गई हमारी तीसरी टिप। अब हम चलेंगे आपकी चौथी टिप की तरफ, जो रहेगा कि यार सबसे पहले बात है कि हमें एक जगह पे नहीं रहना है। एनिमी सामने खड़ा है और हम एक जगह खड़े होकर मारेंगे तो हमें मार देगा। हमें जैसे एनिमी को मारना है तो हमें मूव करना है, ऐसे ऐसे मूव करना है जिससे कि हम एनिमी को वापस मार सकें। एक जगह पर बिल्कुल खड़ा नहीं रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि यार हम जैसे यहाँ से मार रहे हैं, हमने यहाँ से उसको काफ़ी डैमेज कर दिया, और हमें अब अपनी लोकेशन चेंज करनी है, हमें इधर जाना है या फिर थोड़ा इधर जाना है, जैसे कि हमें हमारी पोजिशन उसे ना पता लगे। ये हो गई हमारी गाइस हमारी चौथी टिप हो गई। अब हम चलेंगे अपनी पांचवी टिप की तरफ। पांचवी टिप सबसे बड़ी बात ये है हमारी कि हमें अपने थ्रोएबल्स यूज़ करने हैं। थ्रोएबल्स क्या हो गए, हमारे ग्रेनेड्स, स्मोक ग्रेनेड और हमारी मोलोटॉफ। मैं आपका सब बताऊंगा कि ग्रेनेड कैसे काम आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यार एक ग्रेनेड लेते हैं अच्छा सा। ये रहा हमारा ग्रेनेड, ये रही हमारी मोलोटॉफ और ये हमारा स्मोक। हमने ले लिया है मोलोटॉफ और स्मोक और ग्रेनेड। अब हम बताएंगे ग्रेनेड तो भाई जब काम आएगा, जब एनिमी घर में है और उसको घर के अंदर ग्रेनेड फेंक के मार सकते हैं, या बिल्डिंग में है तो वहाँ मार सकते हैं। ग्रेनेड आपका बहुत काम आएगा, आप 3-4 के लिए एक साथ ले सकते हैं ग्रेनेड से।
और जब आप जैसे कि स्मोक आपका जब काम आएगा, जैसे आपका एनिमी यहाँ पे सामने है और आपका यहाँ पे टीममेट पड़ा है, तो हमें पीछे से गोली ना लग जाए इसलिए हम यहाँ पे स्मोक कर देंगे, स्मोक करके वेट करेंगे, और फिर स्मोक करने के बाद हम अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हैं। तो हमारे लिए एडवांटेज होगा कि हमें पीछे से गोलियां नहीं पड़ेंगी, चारों तरफ स्मोक होगा, तो एक बार एनिमी हमारा टीममेट रिवाइव हो गया तो हम भाग जाएंगे। तो गाइस ये हो गई हमारी पांचवी टिप। अब हम जाएंगे अपनी छठी टिप की तरफ, वो है हमारी प्रॉपर अटैचमेंट। सबसे बड़ी बात होती है अटैचमेंट। हम गन तो यूज़ कर रहे हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है, देखिए हमारे पास कोई भी अटैचमेंट नहीं है क्रॉस। हमें अपनी अटैचमेंट्स यूज़ करनी है, जैसे हमारी एक्सटेंड मैग हो गई और हमारा जो भी है सप्रेसर। सप्रेसर बहुत काम आता है। सप्रेसर काम क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ। सप्रेसर हमारा काम इसलिए आता है कि यार हम लास्ट जोन में है, लास्ट जोन में यार एक या दो एनिमी रहते हैं, वो हमारी लोकेशन ना पता लगा पाए, इसलिए हमारा सप्रेसर काम आता है। और हमारा एक्सटेंड मैग क्या करता है, एक्सटेंड मैग हमारी गोलियों की जो क्वान्टिटी होती है वो बढ़ा देता है। सो मेक श्योर दैट यू यूज़ प्रॉपर अटैचमेंट्स ऑफ गन्स। और ये हमारी हो गई हमारी जितनी भी टिप्स हो गई हमारी। अब सबसे बड़ी टिप मैं आपको ये दूंगा कि अपने गन का रिकॉइल कैसे संभालना। रिकॉइल जैसे हम देंगे तो गन ऊपर चलती चली जाएगी, हमें रिकॉइल संभालना है। हमें रिकॉइल ऐसे नहीं करना कि गोली हवा में लग रही है, एनिमी को ही लग रही, हमें सारी गोली अपने एनिमी को ही मारनी है। तो हम उसके लिए थोड़ा स्वाइप नीचे करेंगे जिससे कि हमारा रिकॉइल कंट्रोल होगा। अब जैसे शॉर्ट रेंज में तो सही है यार, शॉर्ट रेंज में तो हो जाएगा, पर लॉन्ग रेंज में हमारा बहुत काम आता है। लॉन्ग रेंज में हमें एनिमी को मारना हो तो हमें स्वाइप डाउन करना ही पड़ता है, और ग्रॉसा में तो देखिए बहुत रिकॉइल होता ही है। सो गाइस ये हो गई हमारी सारी टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को बताओ कि यार कैसे पबजी में हम प्रो बन सकते हैं, और यार अपना प्यार दिखाते रहो हमारे चैनल की तरफ। और अब मैं जा रहा हूँ यार, बाय, मिलते हैं आपसे।